स्टूडेंट, आज हम क्लास फर्स्ट को फूड एंड डाइजेशन चैप्टर का आगे का पढ़ेंगे। हमने इससे पहले आपको कुछ चीजें बताई थी। पिछली क्लास में हमने बताया था न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जिसमें सारी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, फैट्स, ये सारे जो पोषक तत्व होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। हमारे बॉडी में इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी को बढ़ाने में, मजबूत करने में ताकत देते हैं। जैसे हमारा, हमने आपको बताया था, कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये हमारे बॉडी को बढ़ाता है। कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत हमारा जैसे वीट आता है, पोटैटो है, राइस है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट, इन सारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट में हमने बताया जिसमें स्टार्च होता है, स्टार्च हमारा चावल हो गया, आलू हो गया, उनमें होता है। और दूसरा कार्बोहाइड्रेट हमारा जैसे बनाना वगैरह है, बनाना है, ग्रेप्स है, मैंगो है, जिसमें शुगर है। यानी कि इस फलों वाले जो चीज़ें हैं, मटेरियल है, उसमें शुगर भी मिक्स रहता है कार्बोहाइड्रेट में, और राइस पोटैटो वाले में स्टार्च मिक्स रहता है। तो यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरा हमने फैट बताया था। फैट से हमें ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, और ज़्यादा काम करने की शक्ति प्राप्त होती है। तीसरा हमने प्रोटीन बताया था। प्रोटीन हमारी मतलब हड्डियों को भी मजबूत करता है। प्रोटीन से हमारे ये बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है। जैसे दाल हो गई, सोयाबीन है, इस समय सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। अंडा हो गया। उसके बाद हमने मिनरल्स बताया था। मिनरल्स में वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, यानी हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई और फ्रूट्स हो गए, ये प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। ये प्रोटेक्टिव फूड इसलिए कहते हैं, इससे हम बीमारियों से दूर भी रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आयरन वाली चीज़ें खाते हैं, जैसे हमारा करेला हो गया, पालक हो गया, इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है। जब ये हम आयरन वाली चीज़ें खाते हैं तो हमारी बॉडी में ब्लड बनता है। इसी तरीके से अधिकतर जितने भी विटामिन्स वाली चीज़ें हो गई, फल हो गए, ये जो है हमारे शरीर को रोगों से मुक्त रखता है। अब है, आज हम आपको विटामिन्स के बारे में पढ़ाएंगे। आवर बॉडी नीड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन्स। हमारे शरीर को विटामिन्स की आवश्यकता होती है। दे कीप अस हेल्दी बाय हेल्पिंग द बॉडी फाइट डिजीज। ये हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प अवर आइज, नर्व्स, गम्स, स्किन एक्सेट्रा। ये हमारी आंखों को तेज रखता है। नस हो गई, गम्स हो गई, स्किन हो गई, इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है, ठीक रखता है। टू वर्क प्रॉपरली, ताकि ये चीज़ें हमारे ठीक तरीके से काम कर सकें। विटामिन ए इज नेसेसरी फॉर द आईज एंड स्किन। विटामिन ए वाली जो चीज़ें होती हैं, इससे हमारी आँखें सही रहती हैं और हमारी स्किन सही रहती है। अगर हम विटामिन ए वाली चीज़ें नहीं खाएंगे तो इसका असर हमारी आँखों पे पड़ेगा, हमको कम दिखाई देगा, हमारी स्किन पे भी कई चीज़ें हो सकती हैं, स्किन हमारी ख़राब हो सकती है अगर हम विटामिन ए वाली चीज़ें नहीं खाएंगे। दूसरा है विटामिन बी। विटामिन बी इज़ गुड फॉर मसल्स एंड नर्व्स। विटामिन बी वाली चीज़ें, इससे हमारी मसल्स मजबूत होती हैं, नसें मजबूत होती हैं। विटामिन सी मेक्स स्ट्रॉन्ग गम्स एंड हील अवर बोन फास्ट। और विटामिन सी वाली चीज़ें जो हैं हमको मजबूत बनाती हैं। विटामिन डी मेक्स टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग। विटामिन डी से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, दांत मजबूत होते हैं। फ्रेश फूड, वेजिटेबल्स, फिश एंड मिल्क आर रिच इन विटामिन्स। और ये सारे विटामिन्स हमको ताज़े फलों में, सब्जियों में, दूध में, मछली में, इन सारी चीज़ों में हमको अधिक मात्रा में विटामिन्स मिलती हैं। रफ एंड वाटर, द फाइबर प्रेजेंट इन आवर फूड इज कॉल्ड। जो फाइबर जो भोजन होते हैं वो हमारे फाइबर युक्त भोजन, जैसे आप देखिएगा मूंग की दाल वगैरह जो होती है, या जिसको हम कच्चा खाते हैं, मूंग की दाल वगैरह है, चना है,
जिसको हम भिगो करके कच्चा खा सकते हैं, जो हमारे शरीर को बहुत फायदा पहुंचाता है। मक्का हो गया, ये सारी फाइबर्स युक्त वाली भोजन है जो हमारे शरीर को काफी फायदा पहुंचाते हैं। इट इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक तरीके से काम करने में मदद करता है। वी ड्रिंक वाटर व्हेन वी फील थर्स्टी, हम पानी पीते हैं जब हमको प्यास लगती है। वाटर हेल्प्स अवर बॉडी टू वर्क वेल एंड मेंटेन अवर बॉडी टेम्परेचर। वाटर जो है, पानी हमारे शरीर को अच्छी तरीके से काम करने में मदद करता है, इससे हमारा टेम्परेचर भी सही रहता है। वी नीड टू ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे, हमको दिन भर में 6 से 8 ग्लास पानी डेली पीना चाहिए। देखिए, जब हम कोई भोजन खाते हैं तो भोजन हम चबाएंगे, तो अगर हम पानी पीते हैं तो वो भोजन जो है अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि भोजन जो हमारा है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में रहता है और पानी जो हमारा लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो यानी कि जब हम सॉलिड चीज़ें खाते हैं वो तो हम चबाते हैं, चबाने के बाद तो वो थोड़ा सा मतलब मसलता है, लेकिन पूरे अच्छी तरीके से नहीं मसलता है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम पानी पीते हैं तो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? अ बैलेंस डाइट इज अ डाइट कंटेनिंग द राइट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स। बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें सारी तरह की चीजें मौजूद हों, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये सही मात्रा में मौजूद हों। सबसे पहली बात, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी खाने की मात्रा उस हिसाब से बढ़ाई जाती है, जैसे प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा दी जाती हैं ताकि कार्बोहाइड्रेट वाली की चीज़ें ज़्यादा दी जाती ताकि वो बढ़ें और वो करते रहें। तो एज के हिसाब से हमको बैलेंस डाइट लेना चाहिए। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, अब हम बताएंगे किस तरीके से खाना डाइजेस्ट किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है। वी ईट फूड रिच इन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, हम लोग जो खाना खाते हैं अलग अलग न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। आवर बॉडी एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, और हमारी बॉडी को ताकत कहाँ से मिलती है? जब हम ये न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, खाना खाते हैं। एंड यूजेस इट फॉर इट्स ग्रोथ एंड फंक्शनिंग, और खाना खाते हैं तो हम इससे बढ़ते हैं, और खाना प्रॉपर वे में खाते हैं तो हमारे शरीर के जितने पार्ट्स हैं वो सही तरीके से काम करते हैं। बट द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक्स टाइम, लेकिन कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो वो तुरंत डाइजेस्ट नहीं होता, उसको थोड़ा समय लगता है डाइजेस्ट होने में। द फूड इज फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर फॉर्म, जो हम खाना लेते हैं तो सबसे पहले हम खाने को कट करके अपना चबाते हैं, वो हमारा सिंपलर फॉर्म में हो गया। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू अ सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन, और फिर जैसे तोड़ करके उसको चबाते हैं, चबाने के बाद उसको हम निगलते हैं तो वो हमारा पेट में जाता है, पेट में जाकर वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन हमारा काम वहाँ से शुरू होता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगेन इन द माउथ इटसेल्फ, द लिक्विड इन अवर माउथ इज सलाइवा, इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड। अब इसमें आपने देखा होगा कि जब हम फूड तोड़ते हैं तो वो हमारा ठोस होता है, लेकिन मुंह में जा करके वो एकदम महीन होने लगता है। किस लिए? क्योंकि हमारे मुंह में जो थूक होता है, थूक में सलाइवा नाम का चीज प्रेजेंट होता है। ये सलाइवा जो है उस खाने को गीला करता है, और गीले करते हुए खाने को अच्छी तरीके से वो चबाता है, मतलब अच्छी तरीके से वो फूड को मिक्स कर देता है, ठोस से वो थोड़ा उस फूड को सॉफ्ट कर देता है ताकि हम उसको निगल सकें। अगर हम रोटी का टुकड़ा लिए और तुरंत निगलने की कोशिश करेंगे तो हमारे गले में दर्द होगा, वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा। तो यानी कि वो रोटी का टुकड़ा हम लेते हैं, उसको मुँह में डाल करके चबाते हैं, चबाने से क्या होता है कि वो और सॉफ्ट होता है, और सॉफ्टनेस कहाँ से आती है? जो सलाइवा होता है, जो थूक होता है, वो उसमें मिल करके उस भोजन को और भी सॉफ्ट बना देता है ताकि हम उसको निगल सकें। When we start chewing, our teeth break up the food into smaller pieces. हम जब चबाना शुरू करते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं, रोटी का टुकड़ा हो गया या खाना हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में हम उसको दांत से अपने काटते हैं, फिर उसको चबाना शुरू करते हैं।
Saliva in our mouth mixes with the food and softens to it to a plum. अब saliva जो थूक जो है उस भोजन को उस टुकड़े को और भी soft बनाता है. The tongue then pushes bits of this mass food into the throat where it is swallowed. उसके बाद ये जो हमारा जीभ जो है वो उस फूड को निगलने के काम आता है. मतलब उस फूड को हम को निगलाता है ताकि हम वो निगल सके. यानी कि पहले हम रोटी तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद हमारे मुंह में जाता है, दांतों से आगे के दांतों से तोड़ते हैं, मुंह में जाकर के किनारे के दांतों से चबाते हैं तो उसमें जब स्लाइवा निकलता है वो स्लाइवा उसको बहुत सॉफ्ट कर देता है. जब वो सॉफ्ट हो जाता है तो जीभ हमारा उस भोजन को गले से अंदर नीचे डाल देता है. द फूड नाउ मूव्स डाउन इन अ ट्यूब कॉल्ड फूड पाइप एंड इनटू द स्टमक. अब क्या है कि हमारे जब आप एक चीज ये देखिएगा, ये देखिए इस पोर्शन में क्या है, ये हमारा मुंह है. हमने दांत से भोजन को तोड़ा, तोड़ने के बाद हम यहाँ से जाकर ये जो हमारी जो नली है, खाना जो हमारा यहाँ से, ये इसको कहते हैं फूड पाइप. तो ये फूड पाइप ये होता है जो हम चबा करके जीभ हाउस को निकलता है, तो फूड पाइप के द्वारा हमारे पेट में जाता है. द फूड इज शॉर्ट हेयर द डाइजेस्टिव जूस और स्टमक ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन द फूड इनटू अ सिंपलर फॉर्म. जब ये पेट में जा करके इसको जाके और भी वो महीन करता है ताकि वो डाइजेस्ट हो सके. फूड रिमेन इन द स्टमक फ्रॉम 1 to 4 hours. फूड जो है हमारे पेट में 1 से 4 घंटे तक बीच में पेट में रहता है. व्हेन स्टमक फिनिश इट्स वर्क, जब हमारा पेट अपना काम कर लेता है, मसल्स एट द लोअर एंड ऑफ द स्टमक ओपन. फिर क्या होता है, जो लोअर पार्ट स्टमक का होता है वो खुलता है. द लिक्विड और वेरी थिन पेस्ट ऑफ फूड मूव्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब इसमें क्या है, पहले वो जब पाइप नली से अंदर जाता है तो क्या होता है, बीच में उसमें किनारे किनारे को भरा रहता है, उसको वो और बारीक करता है, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा महीन पेस्ट हो जाता है. वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी कि बीच वाले हिस्से में फिर वो जाता है. वहाँ से वो जा करके वो और भी महीन हो जाता है. द लीवर गैल ब्लैडर एंड द पैक्सिलर हैज द स्मॉल इंटेस्टाइन टू कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ फूड. अब ये जो हमारा है फूड को डाइजेस्ट करना, मतलब डाइजेस्ट इस तरीके से फूड हमारा होता है. थ्रू द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन इज पास इन टू द ब्लड केयर इज इन टू द पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन. अब इसमें ये बताया है कि ये जो फूड जो है काफी महीन हो जाता है, पतला हो जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में बन जाता है, तो वो हमारा क्या होता है कि हमारे खून में जा करके प्रेजेंट हो जाता है. यानी कि वो खून का रूप ले लेता है जो हमारे नसों में चारों तरफ शरीर में फैलता है. और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारे बॉडी के थ्रू निकल जाता है. यानी कि इसमें ये बताया है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हम आपको फिर से समझा रहे हैं. इसमें ये है कि आप जो भी भोजन तोड़ते हैं, जैसे रोटी का टुकड़ा आपने खाया, दांतों से काटा, दांतों से काटने के बाद आपने क्या किया, उसको मुंह में चबाया, तो स्लावा के थ्रू वो थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ, मतलब वो इतना सॉफ्ट हो गया कि जीभ उसको हमारे पाइप फूड नल पाइप से अंदर उतर सके. वो वहाँ से वो पेट में जाता है, पेट में 1 से 4 घंटे तक पेट में रहता है, वहाँ पे और महीन होता है. जब वो थोड़ा महीन हो जाता है तो पतली पतली नसें हैं, फिर वहाँ पे भेजता है. तो भेजने में क्या होता है कि जो एकदम लिक्विड फॉर्म हो जाता है, जो सली होता है वो वहाँ चला जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल हो जाता है, जो वेस्ट होता है वो हमारे बॉडी के थ्रू वो निकल जाता है. फूड ईटिंग हैबिट्स फॉर प्रॉपर डाइजेशन. अगर आप चाहते हैं कि आपका खाना अच्छी तरीके से पच सके तो उसके लिए आपको सबसे पहले कुछ चीज़ों को करना है. ऑलवेज टेक योर मील्स इन प्लेजेंट एनवायरनमेंट. आपको खाना हमेशा साफ सुथरी जगह पे खाना खाना चाहिए. ईट एट रेगुलर इंटरवल्स. और आपको खाना थोड़ी थोड़ी समय पे खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि दिन भर खाते जाओ. या एक समय बनाना चाहिए, जैसे सुबह के समय आपने नाश्ता कर लिया, दोपहर के समय खाना खाया, ताकि उतना समय बीच में गैपिंग हुआ ताकि वो खाना जो है हमारा पेट में जाके डाइजेस्ट उतना हो सके. उसके बाद शाम को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा लिया तो वो गैप
जाना चाहिए ताकि वो हम आराम से गले से निगल सके। निगलने से पहले हमको खाने को हमेशा चबा चबा के खाना चाहिए। ड्रिंक 8-10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, दिन भर में हमें 8 या 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। हैव लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, हमें खूब ढेर सारी हरी सब्जियां और फल खाने चाहिए। डू नॉट ओवर ईट, हमें अधिक खाना नहीं खाना चाहिए, ना तो हमको कम खाना खाना चाहिए और ना तो हमको अधिक खाना खाना चाहिए। अगर हम कम खाना खाएंगे तो हम कमज़ोर होते जाएंगे, पूरी डाइट हमको नहीं मिलेगी, और ज़्यादा खाना खाएंगे तो हम बीमार पड़ेंगे, जैसे वॉमिटिंग वगैरह शुरू हो जाएगी, उल्टियाँ आम करने लगेंगी। इसलिए हमें जितनी भूख लगी है उतना ही खाना खाना चाहिए, ना तो ज़रूरत से ज़्यादा ना ज़रूरत से कम। आज हम आपको ये चैप्टर